फोन होगा, मैं देखता हूं। हेलो हेलो जी जी, मैं पायल बोल रही हूँ। हाँ बोलिए पायल जी। सॉरी आपको इतनी रात को डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन लेकिन क्या करूँ चिंटू, मान ही नहीं रहा था। माँ मुझे भी दो ना, डैड से बात करना है। लो बेटा। हेलो डैड, मैं चिंटू बोल रहा हूँ। बोलो चिंटू बेटा, कैसे हो? डैड मैं आपसे गुस्सा हूँ। क्यों चिंटू बेटा गुस्सा क्यों है? आप मुझे मिलने नहीं आते। ठीक है चिंटू बेटा, हम कल सुबह आपको मिलने आएंगे, आप खुश? और मैं माँ से भी गुस्सा हूँ। अब आप माँ से क्यों गुस्सा हो? ये मैं आपको कल बताऊंगा। तो आप मुझे कल बताओगे, तो अभी इतनी रात को आपने फोन क्यों किया? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। डैड मैं आपके पास आ जाऊं? बेटा अभी बहुत रात हो चुकी है ना। डैडी आपसे बहुत रहते हो? चिंटू बेटा डैड को बहुत सारा काम करना पड़ता है ना, इसलिए। डैड जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो आपकी तरह बहुत सारा काम करूंगा। और आपको काम करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है डैड। ठीक है चिंटू बेटा, लेकिन अगर आपको बहुत सारा काम करना है तो उसके लिए बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, और बहुत सारी पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा, और सुबह स्कूल जाने के लिए जल्दी सोना पड़ेगा। इसलिए अब तुम सो जाओ और मैं सुबह तुमसे आके मिलूंगा। ओके बेटा, गुड नाइट डैड, बाय बाय। उसको हाय।
डैड आप बेफिक्र रहिए, रणबीर आपका बेटा है और हमेशा रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत उसे आपसे नहीं छीन सकती। आंसुओं के अलावा कुछ नहीं बचा मेरे पास। ऐसा मत कहिए प्लीज। तो और क्या कहूं पायल, एक एक करके मेरे सारे अपने मुझे छोड़कर चले गए और मैं कुछ नहीं कर सका। डैडी जाएंगे तो फिर हमें कौन संभालेगा? अब और हिम्मत नहीं बची मेरे पास। रणबीर के जाने के बाद जब चिंटू को पाया तो ऐसा लगा कि डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, लेकिन अब वो सहारा भी मुझसे छीनने वाला है पायल। लोग कहते हैं कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, लेकिन मेरी मुट्ठी तो जीते जी खाली हो गई। डैडी, डैडी आप ऐसा मत सोचिए। देखिए, भगवान ने अगर आपसे रणबीर को छीना है तो आपको समीर जैसा बेटा भी तो दिया है ना? और भले ही समीर आपका खुद का बेटा ना हो, शायद वो आपको रणबीर से ज्यादा प्यार करते हैं। देखिए ना, तभी तो चिंटू को पिता का प्यार देने के लिए वो खुशी खुशी राजी हो गए। जानता हूं और ये भी जानता हूं, तुम और चिंटू जब चले जाओगे तो मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। लेकिन बात चिंटू की खुशियों की है तो मैं तुम्हें रोक भी नहीं पाऊंगा। डैडी, डैडी आप इस तरह उदास मत होइए। डैडी, हम किसी गैर के घर में नहीं जा रहे, हम समीर के घर में जा रहे हैं। और समीर आपका बेटा ही तो है, वो घर आपके बेटे का है। डैडी, आप जब चाहे चिंटू से मिलने वहां आ सकते हैं। ये भगवान, मेरे चिंटू को ये तो मेरी उम्र ले ले। सो रही है बेचारी, इस बात से बिल्कुल अनजान कि बहुत जल्द इसके सारे सपने टूटने वाले। ओ
सो सॉरी, उठा दिया मैंने तुम्हें, लेकिन मैंने ना तुम्हारा भला ही चाहा था। वो कहते हैं ना, जो सोता है वो खोता है, लेकिन जो जागता है वो पाता है। सही किया ना मैंने? किसे ढूंढ रही हो? समीर को ढूंढ रही हो ना? समीर यहां नहीं है। सवेरे सवेरे समीर मिल गया था मुझे। अच्छा, कहां जा रहे हो? तो कहता है अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूं। देखो स्वाति, यू परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे भी ना बड़ी फिक्र रहती है तुम्हारी। ये सौतन तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ती, हर बार तुम्हारे साथ यही होता है। ये सौतन नाम का शनि तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है ना मंतिशा? जितनी एनर्जी तुम लोगों के रिश्ते बिगाड़ने में लगाती हो, अगर उतनी ही एनर्जी अपने रिश्ते संवारने में लगाती तो शायद आज एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती है ना। थैंक यू सो मच तुम्हारी इस राय के लिए। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें सिर्फ अलर्ट करने आई थी, और तुम शायद भूल गई हो, लेकिन मैं नहीं भूली कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूं, हूं ना? तो बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मेरा क्या फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें आगाह कर दूं। देखो स्वाति, ये जो मर्द होते हैं ना, बड़े कमजोर होते हैं, पता नहीं कब फिसल जाए, इसलिए अपने समीर को जरा संभाल के रखना। क्या पता कल को ये पायल ये तुम्हारे समीर मंतिशा। माय माय, क्या देवर है तुम्हारे, इन्हें जरा संभाल के रखिएगा स्वाति जी, बड़े काम आएंगे बाद में। फिलहाल तैयार हो जाइए, आपकी सौतन पायल जी वो पधारने वाली है। ठीक है डार्लिंग। सुना? एक बार क्या हुआ, एक चींटी को हाथी ने छेड़ दिया और उसका तो गुस्सा, वो हाथी के घर गई और उसके घर वालों को बोला कि देखो अपने हाथी को समझाओ और उसको बोलो कि मेरे घर में भी मर्द है। आपके बड़े दादा है, जाओ जाके पहुंचो। अरे अब उठ जाओ बेटा, कब तक बैठे रहोगे? पहले कुछ बोलो तो सही। क्या बोलूं? अरे आपको इतना भी नहीं पता कि जब कोई पाँच होता है तो
जीते रहो, खुश रहो, अब तो ठीक है, हैं? बेटा, वो आपकी दादी है। जाओ पहुंच हो दादी के। ये मेरी फ्रेंड है बेटा। आएगा मजा। कैसे याद की? बदतमीजी नहीं, एक छोटा सा सबक है तुम्हारे लिए, तुम्हें ये बताने के लिए कि शहजाबाद के साथ धोखा करने वाले का अंजाम क्या होता है। धोखा? मैंने आपके साथ धोखा नहीं किया। तुम्हारी आंखों के सामने समीर की शादी स्वाति के साथ दोबारा कर दी गई, मेरी बेटी के सारे हक छीन लिए गए, और तुम हाथ पर हाथ धरे खामोश तमाशाई की तरह खड़े रहे। और तुम्हें यह भी याद नहीं रहा कि हमारे और तुम्हारे बीच में डील क्या हुई थी। अगर मैं तुम्हें जेल से नहीं निकालता ना, तो आज भी तुम जेल में पड़े सड़ रहे होते। मैंने तुमको विभीषण समझकर तुम्हारा यकीन किया, तुम्हारी मदद की, और तुम लक्ष्मण बनने के ख्वाब देखने लगे। ऐसी बात नहीं, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन एंड शादी के वक्त पता नहीं वो लड़की कहां से बीच में आ गई और हमारा सारा खेल उल्टा पड़ गया। कौन लड़की? पायल ने की, रणवीर की विधवा, एक बच्चा भी है उसका। ये आपकी फ्रेंड कैसी हो सकती है, क्योंकि आप तो गर्ल हो, आपको तो मेरे पापा की गर्लफ्रेंड होना चाहिए। गर्लफ्रेंड तो मैं आपके हूं, अब आप ये बताइए आप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे?